हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा काफ़ी बेहतर होइएगा। तो दोस्तों, आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के सठौड़ा गांव में, और यही मेरा गांव हुआ। और देख सकते हैं इसके पीछे सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा होगा, और चलते हैं, यही हमारे गाँव का सरकारी स्कूल है, और चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को सरकारी स्कूल दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सरकारी स्कूल दिखाई देता है। और अभी तो ठंडी का छुट्टी चल रहा है, इस वजह से काफ़ी कम संख्या में टीचर और लड़के आ रहे हैं। तो चलिए हम आप लोगों को पूरा सरकारी स्कूल दिखाते हैं। और यही हमारे गांव का दृश्य हुआ, देख सकते हैं पीछे, और ये पानी टंकी सब देख सकते हैं ये। और यहीं से मेन सड़क है जो बनकटवा को जोड़ती है, घोड़ासान से बनकटवा, और पीछे देख सकते हैं घोड़ासान है, और इधर से रास्ता ही बनकटवा को जोड़ती है। तो किस प्रकार से लगता है हमारा गाँव, ये सभी दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बगल में पेट्रोल पम्प खुल रहा है सठौड़ा गाँव में ही, तो वहाँ पर भी चलकर आप लोगों को पेट्रोल पम्प दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए चलिए स्कूल आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहीं है सरकारी स्कूल, आप देख सकते हैं। और ये सड़क जो है घोड़ासान से आती है और बनकटवा की तरफ इधर चली जाती है। और ये पानी टंकी सब देख सकते हैं, हमारे गांव का पानी टंकी हुआ। और हम रेलवे इस पार में मौजूद है, यानी रोड के तरफ मौजूद है, और हम लोग का घर रेलवे उस पार में है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं बनकटवा से, मतलब जितने भी ऑफिसर लोग रहते हैं वो सब बनकटवा में ही रहते हैं, क्योंकि ब्लॉक वहीं पर है। और इधर का सीन देख सकते हैं, और हमारे गाँव का पोखरा यहीं पर बगल में है। और यहाँ पर सामने आप लोगों को मंदिर और जो नया पेट्रोल पंप बन रहा है वो सब दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे दीवार जैसा घेरा जा रहा है, वहीं पे पेट्रोल पंप बन रहा है। मैं वहाँ पे भी जाके दूसरे दिन वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी चलता हूँ अपने सरकारी स्कूल में, और वहाँ से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हम लोग भी यहीं पर अपना नाम लिखवाए हुए थे, यहीं से जो पढ़ाई होती है वो सब शुरू किए थे, उसके बाद में घोड़ासान जाके पढ़ाई पूरा किए थे। तो चलिए हम आप लोगों को इसमें दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, यहीं है सरकारी स्कूल में जाने का मेन गेट, और यहाँ पे अभी काम चल रहा था बहुत कुछ का। और देख सकते हैं पहले से बना हुआ रूम सब है, जो सही तरीक़ा से नहीं बना है वो भी धीरे धीरे बनेगा। और अभी ही बाउंड्री हुआ है इसमें हाल फिलहाल में, तो इस वजह से काफ़ी शानदार लग रहा है। और देख सकते हैं पुराना बना हुआ स्कूल सब है, जो पुराना हो चुका है, और देख सकते हैं और सारी बिल्डिंग है स्कूल की, और ये काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पर चापा कल 2-3 को मौजूद है, काफ़ी शानदार लगता है। यहाँ का पानी काफ़ी मस्त है, और ये देख सकते हैं लैट्रिन ये सब है, बाथरूम ये सब। और देख सकते हैं राजकीय मध्य विद्यालय सठौड़ा, यहीं है राजकीय मध्य विद्यालय सठौड़ा। और देख सकते हैं चारों तरफ कितना शानदार तरीके से बिल्डिंग को बनाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा पेंट उंट किया गया है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जगह है, यहाँ पर चेतना सत्र सब चलता है, प्रार्थना वार्थना होते रहती है। और देख सकते हैं सभी वर्ग है यहाँ पे, वर्ग 7-8। और इसके ऊपर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग है, वो सभी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम अपने स्कूल के छत पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे के क्लासरूम ये सब दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी बेहतर लग रहा है सब। और काफ़ी बेहतर है स्कूल है, और एकदम जस्ट रोड के बगल में है, देख सकते हैं। और सारे चीज़ सब क्लासरूम अभी बंद है, क्या है कि ठंडी का छुट्टी चल रहा है दोस्तों, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है, क्या है कि छुट्टी काफ़ी दिन के बाद टीचर लोग को मिला हुआ है, तो यहीं सब है। तो दोस्तों, आप लोग ऊपर का सीन देख चुके हैं, आप नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से स्कूल इस सब दिखाई देता है, ऑफिस इस सब इसका काफ़ी शानदार है। तो ये नीचे का सीन देख सकते हैं, और ये सामने देख रहे होंगे जहाँ पे मेरी मम्मी और टीचर लोग खड़े हैं, वहीं ऑफिस हुआ। और इसके अलावा नीचे का क्लासरूम ही सब देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है, वर्ग 3-4 है, वर्ग 1-2 है, और यहाँ पे काफ़ी बेहतर व्यवस्था है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा खुला स्कूल है। और रोड के जस्ट बगल में है, इस वजह से हमेशा यहाँ पे जांच उच होते रहती है, जितने भी ऑफिसर जाते हैं वो लोग एक बार घूम के जांच ही कर लेते हैं। तो यही सब है, और यहाँ पर और सारे काम चल रहे हैं, वो सभी दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये स्कूल के पीछे का सीन है, आप देख सकते हैं। और अभी पूरा तरीके से स्कूल को बनाया जा रहा है, बढ़िया से चारों तरफ बाउंड्री सब किया जा रहा है, और इसके बाहर देख सकते हैं सब खुला जगह है। और यहीं पर सामने पेट्रोल पंप बन रहा है, इसके बाद में गांव का काफ़ी ज़्यादा विकास होगा, डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, और शहर से कनेक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पर आस पास में घोड़ासान शहर है, और अभी तो छुट्टी चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा लड़के नहीं आए हुए हैं। तो कैसा लगा स्कूल आप लोगों को?
तो दोस्तों कैसा लगा गांव का सरकारी स्कूल? और यहां पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया टीचर लोग हैं, वो काफ़ी शानदार तरीके से बच्चों को हंसा के लगे पढ़ाते हैं। तो अब पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई उड़ाई होती है। तो यहीं है सरकारी स्कूल, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ खेल रहे हैं। नहीं है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम अभी चल रहा है, क्योंकि मतलब पूरा तरीका से रिपेयर किया जा रहा है इसको। तो दोस्तों शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है के पाठक सर के द्वारा, इस वजह से हर जगह काम देखने को मिल रहा है काफ़ी बेहतर। तो कैसा लगा हमारे गांव का सरकारी स्कूल, वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जल्द ही हम जाके पेट्रोल पंप दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, जो हमारे गाँव में ही बन रहा है। तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।